तो अभी हम विजुअल बेसिक पे अपना सेकंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं इनपुट आउटपुट के हवाले से। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिया हमने, यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद हमने अपना फोल्डर सेलेक्ट किया लेजेंड वाला, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे चले गए लेजेंड के फोल्डर में। यहाँ पे आपने इसका नाम रख लिया सपोज टू बी, क्या रखना है, ऐप 02 इनपुट आउटपुट, ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे एक प्रोजेक्ट आपके सामने लोड हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन का फॉर्म जो है साइड करना है कितना बड़ा होगा, फिर उसके बाद इस पर कंट्रोल्स बनाने हैं। एक हमें चाहिए लेबल, दूसरा चाहिए हमें टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा चाहिए हमें कमांड बटन। तीनों को ले लिया, तीनों को अरेंज कर लिया एक जगह पे इस तरीके से। ये इनपुट है, ये प्रोसेस है, और ये है इसका आउटपुट, ठीक है। एक लेबल को कॉपी किया कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पास करके इसको ऊपर रख दिया, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, और बल्कि यहाँ पे रख लिया उसका कॉपी करके पेस्ट करके एक और यहाँ पे सेट कर दिया। अब इन सबके फॉन्ट साइज को हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, सबको सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। फॉन्ट साइज सबकी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, इसलिए सबका एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज पर आ जाएं, क्लिक करें यहाँ से, और इसका फॉन्ट साइज हमने 16 पे सेट कर दिया। फॉन्ट जो चाहे आप यूज़ कर लें, ओके कर दें, इस पर आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से इसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया, और इसको थोड़ा इसके उठा के यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरह से सेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे रख देते हैं। इसको एक स्क्रीन की शेप देना है। तो लेबल की कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये लेबल है ऑटो एडजस्टमेंट में, मतलब जितना टेक्स्ट लिखेंगे उतना ही नजर आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके लेबल को आप जाएंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑटो साइज, उस पर क्लिक करके इसको कर देंगे फॉल्स। फॉल्स करने के बाद आप एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आप जाएंगे, जिसका नाम है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में जाके आप इसको कर देंगे फिक्स 3D। फिक्स 3D में जाके बैक कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके इसको एक कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे, तो ये आपका आउटपुट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें रिजल्ट देखना है, तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लिक करके। इस वाले लेबल की सिर्फ हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक किया, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आउटपुट, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी, इस पर जाके हमने लिख दिया इनपुट, ठीक है। आउटपुट को मिला के लिख देते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इनके नाम नहीं रख रहे, सिर्फ हमने इस पर लिख दिया इनपुट है और ये आउटपुट है समझाने के लिए। अब इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बटन यहाँ बन गया इस तरह से बड़ा हो गया। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख रहे हैं यहाँ पे सपोज टू बी प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस कर दिया। अब क्या चाह रहे हैं, जब इस एप्लीकेशन को रन करें, तो रन करने के बाद जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें, सपोज हम यहाँ पे लिखें राशिद IT वर्ल्ड, तो जैसे ही लिख के यहाँ से प्रोसेस करें तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स से डिस्प्ले हो जाए लेबल के ऊपर। अब इसको करने के लिए हमें अब इनके सबके नाम रखने पड़ेंगे। तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं जो है ना पहले क्या कर रहा हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ ताकि ये खाली नजर आए, और इसको थोड़ा सा कलर जो मैंने बैक कलर इसका ये वाला रखा था इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है फिक्स 3D की जगह सिंगल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऐसे नजर आए। लेकिन अभी ये थोड़ा मज़ा नहीं कर रहा, तो दोबारा से इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाके बॉर्डर स्टाइल को मैं ले लेता हूँ फिक्स 3D, तो ये थोड़ा सा इस तरह 3D टाइप का नजर आएगा कि स्क्रीन टाइप का। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे काम को, सबसे पहले हम इन सब के एलिमेंट के नाम रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हम फॉर्म का नाम रख लेते हैं। फॉर्म का नाम यहाँ पे रख रहे हैं फॉर्म इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये फॉर्म का नाम हो गया। अब फॉर्म की एप्लीकेशन के ऊपर क्या दिखाना है, तो यहाँ पे हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे रख लेते हैं डिस्प्ले फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आके अब इसका नाम रखेंगे, देखें गौर से सुने, इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, इसका नाम है लेबल 1, मैंने रख दिया नाम लेबल डिस्प्ले, क्या रख दिया मैंने इसका, हाँ ये नाम से ही काम होगा, नाम सही नहीं रखोगे काम नहीं करेगा, लेबल डिस्प्ले। अब इसका नाम क्या रख दिया, इसका टेक्स्ट बॉक्स नाम है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, क्या नाम रख दिया मैंने इसका इनपुट। अब इस बटन का नाम क्या है, इस बटन का नाम है बटन 1, इसका नाम मैंने रख दिया बटन प्रोसेस, ठीक है। एक और बटन बनाया इसके बराबर में और इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे साइड में पेस्ट करके रख दिया। इस बटन का नाम मैंने रख दिया बटन क्लियर, बटन क्लियर, और इसके जो डिस्प्ले पे था वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लियर, तो यहाँ क्लियर कर दिया, तो ये देखिए क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमारी एप्लीकेशन का मॉडल कुछ इस तरह का बन गया है, ठीक है, जिसमें हमने इस तरह से एक स्क्रीन बनाई है, एक आउटपुट बनाया है, एक इनपुट है, और दूसरा उसके साथ क्या बनाया है क्लियर, ठीक है। अब सबके नाम नोट कर लें, क्या क्या नाम रखें, इसका नाम मैंने रखा है लेबल डिस्प्ले, इसका नाम क्या रखा है टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, इसका नाम मैंने क्या रखा है बटन प्रोसेस, इसका नाम मैंने क्या रखा है बटन क्लियर, ओके। अब ये काम कैसे होगा इसको देखना है, फाइल में जाएंगे सेव ऑल करेंगे। अभी जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये भी कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मैंने यहाँ राशिद लिखा, इसको प्रोसेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ कैसे होगा, स्टॉप करते हैं, अब यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर,
तो खुल जाएगा हमारा कोड व्यू, ये है इसका डिजाइन व्यू। अब क्या खुल जाएगा, जैसे डबल क्लिक करेंगे कोड व्यू, तो कोड व्यू को आप कंट्रोल की मदद से जैसे स्क्रोलर चलाएंगे तो जूम इन हो जाएगा। कोड व्यू में क्या खुला है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट बनाते थे तो ये एक बना बनाया प्रोसीजर बना हुआ आ गया, एक मेथड है कौन से बटन का, बटन प्रोसेस का, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। तो आपने कोड इसके किस में लिखना है, इसके बीच में लिखना है। अब क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा डिस्प्ले कराना है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेबल, और उस लेबल का नाम क्या रखा था, डिस्प्ले, ये लिखो, लिखा हुआ आ गया। अगर आप सही नाम लिखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप लगाएंगे आगे डॉट, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट, जिसपे दिखाना है, क्या दिखाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। डेटा कहाँ से लेना है, इन टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स उसका नाम क्या रखा था, इनपुट डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। अब हम क्या कह रहे हैं आसान अल्फाज में, कि भाई टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लो और उसको कहाँ पे दिखा दो, इस पे दिखा दो, यहाँ से डेटा लो और इसको दे दो, यहाँ से डेटा लो और इसको दे दो, सही है। डिस्प्ले किसका नाम बता दो, लेबल डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, काम का लेबल डिस्प्ले, अच्छा बॉक्स का। अब देखें आप इसको बंद करें, यहाँ से सेव ऑल करें, कोड को चेक करें, काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे लिखा राशिद, तो जैसे हमने राशिद लिखा और प्रोसेस किया तो देखिए राशिद वहाँ पे दिखाई दे गया। अब इसको क्लियर कैसे कराएंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ से और इसके जाएंगे क्लियर पे डबल क्लिक करेंगे। ये क्रिएट बटन का अलग से इवेंट बना है, ये उसका था, ये इसका बना है। अब इसके बीच में जाके क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेबल डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट को क्या कर दो, ब्लैंक डबल कोट से, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट डॉट टेक्स्ट को क्या कर दो, ब्लैंक, तो ये दोनों ब्लैंक कर देगा। अब यहाँ से अपने सेव कर लें, क्लोज करें इसको फॉर्म कोड व्यू को, और यहाँ से इसको रन करें एप्लीकेशन को। अब लिखें यहाँ पे राशिद आईटी वर्ल्ड, और क्या किया हमने इसको प्रोसेस, तो देखिए इधर आ गया, और यहाँ से क्या किया हमने क्लियर, तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा तैयब अली प्रोसेस, और यहाँ पे क्लियर ओके। तो इनपुट से भी हट जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले बटन पे जाएंगे जहाँ पे इसको थोड़ा जूम करेंगे, खाली अभी एक ही काम कर रहा था, इसके नीचे एक दूसरा कोड लिख देंगे, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को बाद में क्या कर दे, इसको ब्लैंक कर दे, सेव करेंगे कंट्रोल एस से, यहाँ पे भी सेव करेंगे कंट्रोल एस से, रन करेंगे कोड को, और यहाँ पे लिखेंगे सपोज मुसव्वर अली, और यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, तो ये देखिए इधर आ गया, और यहाँ से क्लियर किया तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। और फिर अब जब यहाँ से क्लियर हो ही रहा है ऑलरेडी, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे डबल कोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इनपुट का कोड हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये अब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर क्लियर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी सी एप्लीकेशन बना लेंगे जो एक एलिमेंट से डेटा दूसरे एलिमेंट पे दिखा देगा।